हाँ जी बेटा, तो आज जो बेटा हम स्टार्ट करेंगे ना, टुडे वी विल स्टार्ट विद अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, तो उसे हम उस टाइप को जो है हम कहते हैं बेटा, दैट इज पार्शियल फ्रैक्शन। जो हमारा टॉपिक है आज का वो पार्शियल फ्रैक्शन। मैं आपको ये बता दूं, हम पार्शियल फ्रैक्शन जो है एक वास्ट टॉपिक है। हमने जो वन ओवर क्वाड्रेटिक किया, हम उन क्वेश्चंस को पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, हम वन ओवर क्वाड्रेटिक को वैसे भी कर सकते हैं। ओके, ओनली वन ओवर क्वाड्रेटिक, अंडर रूट वाले नहीं। तो ये आप पे डिपेंड करता है, दोनों मेथड से करोगे आंसर विल बी सेम। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात है कि पार्शियल फ्रैक्शंस लगती कहाँ है, ये टाइप कहाँ लगती है? जब भी हमारे पास इंटेग्रल में बेटा कोई भी रैशनल फंक्शन की फॉर्म में आ जाए ना, जैसे पी एक्स ओवर क्यू एक्स, और डिनोमिनेटर वाला जो फंक्शन है ना, इसके फैक्टर्स बनते हैं, ये रिड्यूस हो सके। अगर इरिड्यूस है तो 100% कंप्लीट स्केयरिंग मेथड लगे, लेकिन अगर ये फैक्टर्स बनते हैं तो हम उसको पार्शियल फ्रैक्शन लगते। ठीक है, मतलब कैसी टाइप, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास है पी एक्स प्लस क्यू ओवर जो है एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, ऐसा कोई भी इसका इंटेग्रल करना। या मेरे पास ऐसा कोई याद है कि ऊपर जो है लीनियर ही है मेरे पास पी एक्स प्लस क्यू, नीचे एक्स माइनस ए स्क्वायर आता इसका इंटेग्रल। या मेरे पास जो है नीचे एक से ज्यादा फैक्टर्स, मतलब यहाँ दो थे, थ्री फैक्टर्स आते, मतलब जैसे पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर ओवर एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, ऐसा कुछ हो जाए। या ऐसा भी हो सकता है एक्स माइनस ए किसी एक का स्क्वायर हो जाए, क्यूब हो जाए, कुछ भी। तो ऐसे केसेस में बेटा हम लोग क्या यूज करते हैं, हम पार्शियल फ्रैक्शन रखते हैं। ये देखते ही टाइप क्लियर हो जाती है कि ये पार्शियल फ्रैक्शन की टाइप। ओके, तो लेट अस सी नाउ कि पार्शियल फ्रैक्शन में हम लोगों ने कैसे सम्स क्या करना है। मैं सीधा आपको जो है क्वेश्चन को करना बताऊंगी, जनरल फॉर्म हमें कोई करने की टेंशन नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन बताऊंगी तो आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी कि कैसे करते हैं। ओके, फर्स्ट मेरे पास जो है मान लीजिए वन ओवर एक्स प्लस वन एंड एक्स प्लस टू डीएक्स, ऐसी तरह। एक मेथड तो ये है, हम इसको ओपन कर लें, ये वन ओवर क्वाड्रेटिक हो जाएगी, कंप्लीट स्केलिंग मेथड कर, ठीक है, हम उससे कर सकते हैं। दूसरा मेथड, हम पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे करते हैं। जब भी आपके पास ऐसे कोई दो फैक्टर्स हैं, ओके, मल्टीप्लाई में डिनोमिनेटर, यहां कोई टर्म है या नहीं है डजंट मैटर, अगर है तो लिख दो, नहीं है तो ना लिखो। हम इसको क्या करेंगे, हम इसको ब्रेक करना चाहते हैं कैसी फॉर्म में, कि कोई कांस्टेंट ऊपर है और फर्स्ट फैक्टर है, प्लस फिर कोई कांस्टेंट है तो सेकंड फैक्टर है। ओके बेटा, अब क्या करेंगे मेरे पास, व्हाट वी विल डू, हम जो है इधर भी एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लिया, ए इंटू एक्स प्लस टू प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन, ओके, तो इधर एक्स प्लस वन और एक्स प्लस टू, इसका शॉर्टकट भी है, मैं वो भी बताऊंगी कि हम सीधे कैसे लिख सकते हैं, नॉट हेयर बट एवरीवेयर, वो भी कर सकते हैं, बट हमें एग्जाम में ये शो करना ही पड़ता है, ये और ये कैंसिल। ओके, अब क्या करें बेटा, मेरे पास जो है वन इक्वल टू एक्स वाली क्वांटिटीज अलग कैलकुलेट कर लो और कांस्टेंट वाली अलग कैलकुलेट कर, ठीक है, कंबाइन कर लो कह सकते हो। तो मेरे पास इधर है एक्स वाली ए और ये वाली एक्स वाली है प्लस बी, और कांस्टेंट कौन सी रहेगी, टू ए प्लस बी। देखो अब कहते हैं हम कंपेयरिंग द कॉफिशियंट्स, यहां पर
ऑन कंपेयरिंग, जब हमने कंपेयर किया कॉफिशियंट्स को, तो मेरे पास क्या बन गया, देखिए बेटा इधर x वाली नहीं है तो दैट मीन जीरो एक्स होगा ना। तो जब मैंने कंपेयर किया तो a प्लस बी जीरो के इक्वल और इधर 2a प्लस बी 1 के इक्वल। और किसी तरह से मुझे a और b की वैल्यू निकालनी, दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल्स हैं, यू आर एबल टू फाइंड। तो क्या करो बेटा, माइनस करो, ये कैंसिल, माइनस मेरे पास जो है a इज इक्वल टू माइनस 1, a की वैल्यू 1 आ गई। जब मैंने a यहाँ 1 पुट किया इस इक्वेशन में तो b की वैल्यू माइनस 1 आ गई। अल्टीमेट एम है a और b को फाइंड आउट करना। बस एक मेथड तो ये है बेटा कि हम ऐसे कंपेयरिंग कोफिशिएंट करके कर सकते हैं। हमने a और b निकाला, अब दूसरा मेथड दिखाने लगे, ठीक है, उसमें क्या करते हैं, आपके यहां तक तो किया ना, ये आपके पास आ गया था 1 इज इक्वल टू a इंटू x प्लस 2 प्लस b इंटू मेरे पास जो है x प्लस 1 यहां पर आया। अब पता क्या, आपके पास दो फैक्टर्स है ना, इससे कैलकुलेशन इजी होती है। दो फैक्टर्स हैं आपके पास, एक x प्लस 1 एक x प्लस 2, टर्न बाय टर्न दोनों को जीरो के इक्वल पुट कर, पुट x प्लस 1 इक्वल टू जीरो। जब आपने x की वैल्यू पुट किया तो माइनस 1 आया, पूरी इक्वेशन में x की जगह पे माइनस 1 पुट करो, उसका बेनिफिट क्या होगा, जब आपने माइनस 1 पुट किया ये तो जीरो ही हो जाना है, यहां माइनस 1 पुट किया मेरे पास जब यहाँ पर, तो a की वैल्यू क्लियर कट 1 आ गई, हमने भी तो 1 ही निकाली। अब अगली बारी पुट x प्लस 2 इक्वल टू जीरो, x की वैल्यू माइनस 2 आई, ये तो जीरो ही हो जाना, जब माइनस 2 पुट किया तो 1 इधर 1 है ना, 1 इज इक्वल टू b इंटू माइनस 1, तो b की वैल्यू माइनस 1 आ। आप जिस मर्जी मेथड से निकाल लो। अच्छा अगर आगे 3 होते c भी होता तो आप अपनी मर्जी से x की वैल्यू कोई भी पुट कर सकते। हम ज्यादातर बच्चों को कहते हैं जो दो लीनियर फैक्टर्स हैं उनको जीरो पुट करो, वो डायरेक्ट एक वेरिएबल की वैल्यू आपको फाइंड आउट कर। यहां तक बात समझ आई कि वैल्यूज कैसे हमने फाइंड आउट कर, सबको क्लियर है? हाँ जी, कोई रिस्पांस बेटा? प्लस टू बी सी। चलो, तो मैंने ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर। अब इसका मतलब मैंने इसका जो इंटेग्रल करना था ना, इसके बजाय मैं इनका इंटेग्रल करूंगी। ओके, अब a की वैल्यू 1 पुट कर दो। अब देखो इसका इंटेग्रल करना कितना इजी हो जाएगा, माइनस 1 x प्लस 2 dx। नाउ इंटेग्रल ऑफ दिस, log ऑफ मॉड x प्लस 1। ओके, अब ये माइनस मैं इधर ले जाऊं, log मॉड x प्लस 2। अब मैं एक बात बताऊं, आंसर को सिंपलीफाई करने के लिए, अगर दो लॉग है ना तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आप लॉग सी ही लिख दो। उसका बेनिफिट क्या होगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो मेरे पास यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा, मैं लॉग लॉग को कंबाइन कर सकूंगी। तो मैं वहां से इधर लिख रही हूँ कि आई इज इक्वल टू लॉग, आपको पता है लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है, लॉग एम ओवर एन और ये मल्टीप्लाई है तो प्रोडक्ट में आ जाएगा। तो दैट मीन मेरे पास ये एक्स प्लस 1 इंटू सी ओवर मेरे पास जो है एक्स प्लस 2। मैं इसको सिंप्लीफाई कर, क्यों अभी से बता रही हूँ, क्योंकि आगे जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे ना तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी इन चीजों की। तो दैट अगर कोई बच्चा प्लस सी यहाँ लिख देगा हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट आगे डिफरेंशियल इक्वेशन में उनको हमें बताना पड़ता है। तो स्टार्टिंग में ही फिर हम यहाँ पर ही बच्चों को बताना शुरू करें कि अगर सारा आंसर लॉग में तो टेक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एज लॉग सी, ठीक है। यानी मैंने इस क्वेश्चन में क्या किया, देखिए कि इफ एनी मेरे पास जो है रैशनल नंबर जो है इज ऑफ दिस फॉर्म x माइनस a x माइनस b, आई रिड्यूस इट यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन जो है इन दिस फॉर्म, आई कन्वर्ट इट इन दिस फॉर्म। अच्छा यही अगर थ्री फैक्टर्स होते
x minus a, x minus b, x minus c. So I will write it as this. B over x minus मतलब पहला linear factor, दूसरा then you have to use the third one. ये तो था linear. हर बार एक factor एक ही बार तो नहीं आ सकता. मान लीजिए कि मेरे पास कोई factor repeat हो रहा है x minus a, x minus b, square. तो कोई घबराने वाली बात नहीं. आप कैसे करोगे? First ये बोला है. अच्छा, कोई बच्चा यहां से भी शुरू कर सकता है, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. तो मैंने अगर पहले को पहले a लिखा, देन b ओवर मैंने x माइनस b लिखा, क्योंकि ये इसका स्क्वायर है, तो c ओवर x माइनस b का स्क्वायर भी आ रहा है. दिस इज द रूल ऑफ पार्शियल. मेरे पास बात समझ आई बेटा यहां तक सबको? क्लियर टू एवरीवन? कोई यहां पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ठीक है. तो अब आगे, अभी तक मैंने जितने बताए ना आपको, देखो तो ये लीनियर फैक्टर्स हैं, सबके लीनियर फैक्टर हैं. नो डाउट ये स्केयर बना, बट लीनियर है मेरे पास. अब मान लीजिए कि मेरे पास नीचे जो है कोई भी क्वाड्रेटिक बने, बट वो इररिड्यूसेबल है. मैं बार बार कह रही हूं क्वाड्रेटिक बने डिनोमिनेटर में, बट वो क्या है? इररिड्यूसेबल है. तो ऐसे केस में मैं क्या करूंगी? मान लीजिए मेरे पास हो गया. अच्छा, ऊपर कुछ भी आ सकता है, ऊपर लीनियर भी आ सकता है, ऐसे पी एक्स प्लस क्यू कहीं पे भी आ सकता है, कुछ नहीं भी आ सकता, आ भी सकता है. हमने तो डिनोमिनेटर वाले को एडजस्ट किया. अगर यहाँ पर है कैपिटल ए एक्स प्लस बी आ गए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके अकॉर्डिंगली ये इधर ऐसा ही रहे. कैपिटल ए बी सी इधर यूज किया, तो यू कैन यूज अनदर पी एक्स प्लस क्यू ले लेते. ओके, सिर्फ हमें पहले ये ब्रेकेज करनी आनी चाहिए कि इसको रखना कैसे, फिर आगे हम क्वेश्चंस कैलकुलेट कर. अब मैं आपको बता रही थी, अगर डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक आ जाए, मतलब ऐसे मान लीजिए कोई ऐसे आया 2x plus 3, ऐसा फैक्टर है, या x plus 3 ले लेते, और साथ में x square plus x plus 2, मान लो ऐसे आ गया, मैं इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा. ओके, तो मैं क्या करूंगी? व्हाट आई विल डू? तो ऐसे केस में मैंने a ओवर फर्स्ट फैक्टर तो लिया ही लिया. इसके लिए जहां आपने नीचे क्वाड्रेटिक लिखना है जो इररिड्यूसेबल है, तो उसके ऊपर लीनियर फैक्टर इमेजिन लेट करना. मींस इफ एनी रैशनल नंबर इज ऑफ दिस फॉर्म p x plus q, नीचे x minus a, और मेरे पास जो है x square plus bx plus c, यहां पर भी कुछ हो सकता है, कोएफिशिएंट कुछ भी है इररिड्यूसेबल, तो आई कैन रीराइट इट एज a ओवर x माइनस b प्लस bx प्लस c ओवर x स्क्वायर प्लस bx प्लस द क्वाड्रेटिक के ऊपर लीनियर आ, बस ये याद. यहां तक सबको बात समझ आ गई? ठीक है, अब क्वेश्चंस करते हैं, तभी आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी, है ना? क्योंकि ऐसे निकालनी कैसे वैल्यूज, वो सबसे बढ़िया. अदरवाइज ये सारी एक्सरसाइज सेम है, सिर्फ लास्ट 4-5 क्वेश्चन को उसमें बस ध्यान रखना है क्या, वो बाद में ही बताऊंगी. जब तक पहले क्वेश्चंस नहीं आपको आते, हम नहीं कर सकते. हम एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे ताकि आपको क्लैरिटी हो. ओके, लेट अस स्टार्ट विद द एक्सरसाइज. फर्स्ट क्वेश्चन ही करते हैं, एक्सरसाइज 7.5. ओके, फ्रॉम इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, माय फर्स्ट क्वेश्चन जो है इंटेग्रल x ओवर, मेरे पास जो है x प्लस 1 x प्लस 2 dx. आपको याद हो इंटीग्रेशन की फर्स्ट एक्सरसाइज में मैंने एक आपको रूल बताया था कि अगर रैशनल फंक्शन मेरे पास, तो डिग्री जरूर देखा करो. यहाँ डिग्री 1 बन रही है, इसको ओपन करूंगी तो डिग्री 2 बन गई. अगर डिग्री सेम होती न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की, या
डिग्री न्यूमिनेटर की ज्यादा होती डिनोमिनेटर से, तो पहला स्टेप था लॉन्ग डिवीजन, है ना, वो अभी नहीं लग रहा यहाँ क्योंकि डिग्री कम हुई, तो हम इसको क्या करेंगे। अब देखो ये मैं बिना इंटीग्रेशन के साइन के ले रही हूं, मुझे पता चल रहा है ये रिड्यूसिबल है, हुई हुई है ना, तो और लीनियर है, तो मैंने ऐसे लिखा ये, ओके। फिर मैंने सेकंड स्टेप क्या बोला था, टेक एलसीएम, एलसीएम लेने का बेनिफिट ये है, एलसीएम ले लो या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, वन इज द सेम थिंग, आप इन दोनों को उधर ले जाओ, एक ही बात है। तो मेरे पास जो है a इंटू एक्स प्लस टू बी इंटू एक्स प्लस वन ओवर एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू, ये कैंसिल हो गया। नाउ व्हाट इज लेफ्ट विद मी, x इंटू a इंटू एक्स प्लस टू एंड b इंटू एक्स प्लस वन, ठीक है ना। अब देखिए मैंने आपको क्या बोला था, जो ये दो फैक्टर्स हैं टर्न बाय टर्न इनको जीरो पुट करो, उससे कैलकुलेशंस इजी हो जाती हैं और कुछ भी नहीं। जब आपने x प्लस टू को जीरो पुट किया, x की वैल्यू माइनस टू, पूरी इक्वेशन में जहां जहां x है माइनस टू पुट करो, यहाँ x है तो माइनस टू पुट किया, ये जीरो हो जाना है, और यहाँ माइनस टू पुट किया तो बेटा b इंटू माइनस वन, b की वैल्यू मेरे पास टू आ जानी। अब यहां पर x प्लस वन जीरो पुट किया, x की वैल्यू माइनस वन, ओके। जब मैंने माइनस वन पुट किया तो ये जीरो हो गया, माइनस वन, तो यहां पर वन आया, इधर माइनस वन आया, a की वैल्यू माइनस वन, इसे कैलकुलेशन इजी हो गई। अब कई बच्चे ऐसे भी करते हैं, अपनी तरफ से x की वैल्यू कोई दो पुट कर देते हैं और ए बी में दो इक्वेशंस फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं, तो बेटर नहीं है जो दो फैक्टर्स हैं उन्हीं को फटाफट इक्वल टू कर, ओके। बात समझ आई सबको, कोई डाउट तो नहीं यहां तक किसी को भी, और ये क्लियर कट पता चल जाता है बेटा टाइप का, कि ये वही टाइप है, इसीलिए इसको ध्यान से सेपरेट है, इसका आगे पीछे से कोई लेना देना नहीं, क्लियर। चलिए अब मेरे पास ये पता चल गया, ए और बी ही निकालना था क्योंकि मैंने अपनी तरफ से लेट किया था। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगी, मैं इंटीग्रेशन आई को दोबारा लिखूंगी, ओके, आई एम रबिंग इट, और मैंने देयरफॉर आई इज इक्वल टू इंटीग्रल, मैंने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया, ए की वैल्यू कितनी निकाली माइनस वन, माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन, प्लस बी की वैल्यू टू ओवर एक्स प्लस टू, सारे के साथ dx। अब इसकी इंटीग्रेशन करनी इजी हो जाती है, वो वन ओवर क्वाड्रेटिक में फॉर्मूला लर्न करना पड़ता है, यहाँ फॉर्मूला तो नहीं ना, हमें पता है वन बाय एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, लॉग एक्स, ये तो सब बच्चों को पता होता है। तो मेरे पास तो है ये माइनस एज इट इज लॉग मॉड एक्स प्लस वन प्लस टू एज इट इज लॉग मॉड एक्स प्लस टू, मैंने अभी बताया अगर सारा कुछ लॉग में है ना, तो टेक इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज लॉग सी। अब इसको कंबाइन कर लीजिए, आप ये जो टू है ये आगे चले जाता है ना मेरे पास, तो ये पावर ऊपर में हो जाता है, तो मैं इसको कैसे करूंगी, लॉग मेरे पास जो है एक्स प्लस टू का स्केयर इंटू सी, ये माइनस है तो ये नीचे आ जाएगा, कंबाइन कर, क्लियर बेटा, लेट मी शो यू, ये क्लियर टू एवरीवन, कोई डाउट तो नहीं मैं था यहां तक, चलिए लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन रिलेटेड विद दिस। चलिए कोई मुश्किल नहीं है ये एक्सरसाइज, बहुत इजी है इसको करना। तो मेरे पास तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेरे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड आई एम डूइंग इंटीग्रल, मेरे पास तो ये थ्री एक्स माइनस वन ओवर जो है x माइनस वन x माइनस टू x माइनस थ्री dx, ओके। अब क्या करें यहाँ पर, व्हाट वी विल डू हियर, सबसे पहले जो है क्लियर कट है, नीचे लीनियर फैक्टर्स है, अगर ये लीनियर फैक्टर्स हैं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इसको पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे,
जब लिखना है तो हम क्या करेंगे, देखिए 3x-1 over x-1, x-2 और x-3, that is a over x-1 plus b over x-2 plus c over x-3. ओके, अब फिर उधर सीधा अब देखो हम कैसे लिख सकते हैं, a into ये वाला फैक्टर नहीं आना, ये दोनों फैक्टर साथ मल्टीप्लाई होंगे जब आप एलसीएम लो, ठीक है। ऐसे ही बी में जो फैक्टर है नॉट हियर, बाकी सब जो है पुट कर दो यहाँ पर साथ में, मतलब लिख दो पुट नहीं। ओके, सी इंटू एक्स माइनस थ्री जो है x-1 x-2। ओके बेटा, क्लियर। अब आगे क्या करेंगे हम यहाँ पर, व्हाट वी विल डू, अब पुट करो टर्न बाय टर्न, तीन फैक्टर्स हैं, पुट x-1 = 0, देखिए x-2 = 0, x-3 = 0। अगर आप कंपेयरिंग करके करते हो ना तो इट टुक ए लॉट ऑफ टाइम टू डू इट, बेस्ट होता है। इससे बेनिफिट क्या होगा, देखो x-1 0 पुट किया, x की वैल्यू 1, जहां जहां x-1 है ना ये भी 0 हो जाना, ये भी 0 हो जाना, मेरे पास क्या बचेगा, सिंपल ये वाली क्वांटिटी। तो इधर x की वैल्यू 1 पुट की तो इधर आया 2, इधर 1 पुट की a इंटू -1 and -2, देखिए सीधा a की वैल्यू आएगी मेरे पास, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, 2 और 2 कट गया, a की वैल्यू 1। अब नेक्स्ट मेरे पास x की वैल्यू 2 आई, जब मैंने 2 पुट किया 6 6-1 5, तो इधर मेरे पास 5 आया। अब जब 2 पुट किया ये कैंसिल हो जाएगी, ये नहीं कैंसिल होगी और ये कैंसिल हो जाएगी, अब इधर b इंटू 2-1 1 और इधर 2 पुट किया तो -1, तो बेटा b की वैल्यू -5 आएगी। ओके, अब जब x की वैल्यू 3 मेरे पास यहां पर, अब जहां जहां 3 है ये और ये 0 हो जाएगी, ये 0 नहीं होगी, तो मैंने 3 3 9 9-1 8, इधर बेटा 8 और इधर मेरे पास c इंटू 2 और 1, तो मेरे पास c की वैल्यू 4 है। बस यही काम है a b c कैलकुलेट करना। अब यानी मैं नेक्स्ट स्टेप में a की जगह पे 1, b की जगह पे -5 और c की जगह पे 4, यानी इन सब का मैं इंटीग्रल, और 99% क्योंकि 1 ओवर लीनियर है ना, तो इसमें जो फॉर्मूला लगता है लॉग का, ये बात ये टाइप सारी कवर हो गई, समझ आ गई आपको कि हमने कैसे किया। कोई डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड एंड आस्क मी एनी डाउट। हाँ जी, बाकी बच्चे कनुबा, सुखमन, सुहानी, कशेश, पते, बाकी सबको, हरनूर, दमन, अभिरूप, चलिए नेक्स्ट बेटा। अभी तक जो मैंने करवाया ना, देखो उसमें नीचे लीनियर फैक्टर एक ही था, ओनली वन लीनियर फैक्टर जो है वो वन टाइम ही आ रहा है। अब हम जो क्वेश्चन करेंगे ना उसमें जो फैक्टर है ना लीनियर फैक्टर, वो एक से ज्यादा बार आ रहा है। लेट अस डू, मेरे पास जो है क्वेश्चन नंबर 8। ओके, अब मैं 8th क्वेश्चन करने लगी हूँ, तो मेरे पास तो है 8th क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, द स्टेटमेंट इज x ओवर जो है x-1 का स्क्वायर ओवर मेरे पास जो है x+2, ये टिक्स। अब इसमें क्या करूंगी बेटा, बिल्कुल वैसे ही करना है। अब देखिए जरा, बस इसकी रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट है, a ओवर फर्स्ट फैक्टर लिखा, अब b ओवर वही फैक्टर दो बार आएगा, अगर क्यूब होता तो c ओवर x-1 3 टाइम्स। ओके, प्लस अब ये भी लीनियर है ना, तो c ओवर x+1। ओके, अब एलसीएम ले लें, जब मैंने एलसीएम लिया तो मेरे पास इधर x मैंने नीचे नीचे वाली टर्म काट देनी है, अब a इंटू मेरे पास x-1
और एक्स प्लस वन, दोनों आएंगे। अब जब प्लस बी इंटू एलसीएम लिया तो मेरे पास जो है क्या आएगा, ये कट गया और एक्स प्लस वन और सी इंटू एक्स माइनस वन का चेक कर लीजिए, नीचे नीचे वाली टर्म मैंने दोनों तरफ काट। अब देखो जरा मेरे पास, अब है तो फैक्टर दो ही ना, लेकिन वैल्यूज तीन निकालनी है, ए बी सी। यहां आपके बच्चे अड़ जाते, कोई घबराने वाली बात नहीं कि आप एक बार x माइनस वन को जीरो पुट करो, जो दो फैक्टर्स है वो तो ले लो ना, थर्ड फैक्टर यू कैन टेक एनी वन। मैं हमेशा x इज इक्वल टू जीरो पुट करती हूं, उससे मेरी कैलकुलेशन इजी रहती है। जो दो फैक्टर्स है वो तो वो पुट करो करो, थर्ड वन यू कैन टेक एनी वन, बट आई ऑलवेज प्रेफर टू टेक x इज इक्वल टू जीरो। ओके, जब आपने पुट किया या लेट किया, ओके, तो मेरे पास यहां पर x की वैल्यू 1, x की वैल्यू माइनस वन, यहाँ x की वैल्यू 0, मैंने कैलकुलेट किया। अब जहां जहां x माइनस वन है ये मुझे पता है 0 हो जाना है, ये भी 0 हो जाना है, यहाँ सीधा b की वैल्यू आएगी। इधर 1 पुट किया तो 2, इधर 1 इज इक्वल टू b इंटू 2 और b की वैल्यू 1 बाई 2 आ गई। ओके, अब x प्लस 1 0 पुट किया, इधर माइनस 1। अब देखो x प्लस वन इसमें भी है इसमें भी है, ये दोनों चले जाएंगे, ये नहीं जाएगा। यहां पर जब मैंने माइनस वन पुट किया तो माइनस वन माइनस वन माइनस टू, माइनस टू का स्केयर 4, तो c की वैल्यू माइनस वन बाय 4। ठीक है, अब अगला, जहां जहां x है वहां 0 पुट कर दो, 0 a इंटू ये कितना हो गया माइनस वन, बी इंटू वन और सी इंटू वन। अब बी और सी की वैल्यू कैलकुलेटेड, ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, पुट गया मेरे पास, ये ए इधर ले जाओ, बी की वैल्यू मैंने कितनी कैलकुलेट की 1/2, सी की वैल्यू ये लीजिए 4, 2 माइनस वन 1/4 लीजिए। अल्टीमेट एम तो वैल्यू कैलकुलेट करना है, ए बी सी जो भी आपने अपनी तरफ से लेट किया। ठीक है, अब ए बी सी आ गया, अब हम क्या करेंगे, इंटेग्रल करेंगे, इसका इंटेग्रल करना है हम। ओके, तो ए की वैल्यू पुट कीजिए मेरे पास, हो गए ए इज दट इज 1/4 इसका इंटेग्रल, बी मेरे पास जो है 1/2 डी एक्स और सी मेरे पास जो है माइनस 1/4 डी एक्स। ओके, अब इस कर लेट अस फाइंड द इंटीग्रल ऑफ, अब देखो ये तो सीधा वही लॉग मॉड एक्स माइनस वन। अब यहाँ आपको लगता है तो लीनियर ही है ना, तो ये बेसिकली 1/2 एक्स माइनस वन की पावर माइनस टू बन गई, एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन का इंटीग्रल क्या होता है, मेरे पास जो है 1/2 पावर एक डिक्रीज हो जाएगी, सॉरी इंक्रीज हो जाएगी, तो माइनस वन ओवर माइनस वन और एक्स का कोफिशिएंट 1 है तो लगाने की जरूरत है। ठीक है बेटा, तो अब आगे क्या करेंगे हम लोग, जो व्हाट वी विल डू, अब इसका इंटीग्रल मेरे पास माइनस 1/4, ओके, और लॉग मॉड एक्स प्लस। अब जो दो कंबाइन हो सकते हैं उनको तो करो ना, 1/4 कॉमन है, log x माइनस वन ओवर x प्लस वन, ओके, और ये माइनस 1/2 इंटू एक्स माइनस वन प्लस सी, काम करो आपके पास ही, यहाँ लॉग सी लगा दो यार, क्योंकि एक फैक्टर तो है ही है ना जो बिना लॉग के, तो इट इज अप टू यू। यहाँ तक ये टाइप्स पता चली बेटा कि कैसे करते हैं, सबको क्लियर हुआ, बस वही दो तीन बच्चों ने रिस्पॉन्ड करना बेटा, बाकी बच्चे तेगवीर अभिरूप दमन हरनूर। चलिए अब देखिए, अभी तक मैंने जो आपको करवाया वो लीनियर फैक्टर्स के साथ ही करवाया, ठीक है, अब मैंने क्वाड्रेटिक, अगर मेरे पास ऐसा कोई फैक्टर है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, x ओवर x स्क्वायर प्लस 1
और एक्स प्लस वन करना बिल्कुल ऐसे ही जैसे अभी मैंने बताया, बट ये इरिड्यूसिबल है, मतलब इसके फैक्टर नहीं बन सकते। अगर फैक्टर बनते आप बना देते हो और फिर वही पार्शियल फ्रैक्शन है। अब जब नहीं बनते तो मैंने आपको क्या कहा कि मेरे पास अगर नीचे क्वाड्रेटिक आ जाए, मैं ए, अब आपकी मर्जी है, आपने पहले लीनियर वाला लिखना पहले लीनियर वाला लिख लो, अगर क्वाड्रेटिक लिखना है नीचे तो क्वाड्रेटिक के ऊपर बेटा लीनियर प्लस सी ओवर एक्स प्लस, कोई बच्चा ऐसे लिख दे कोई बच्चा ऐसे कर दे, इसमें कोई फर्क नहीं है, उसकी ए बी सी की वैल्यू अपने आप होगी। जो यहाँ ए की वैल्यू आएगी वो यहाँ बी की आएगी, जो यहाँ बी की आएगी वो यहाँ सी की आएगी, जो यहाँ ए की आएगी वो यहाँ सी की आएगी, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम कॉन्स्टेंट, आप जैसे मर्जी रिप्रेजेंट कर सकते, ठीक है। अब देखिए करना कैसे है, लेट अस सी, है ना, ये तो हमने ये लर्न करना है कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वो आपको एक बार रीड करो टेबल टू क्लियर हो जाए। तो अब फिर वही मेरे पास हो गए, मैंने इसका इंटीग्रल पहले इसको चलो सॉल्व कर लेते हैं, टेक एलसीएम x प्लस वन, तो b a x प्लस b इनटू x प्लस वन, ओके, प्लस c इनटू x स्क्वायर प्लस वन, ओके। और इधर मेरे पास हो गए x over x के प्लस वन और x प्लस, ओके, ये कैंसिल हो गए, तो मेरे पास हो गए पुट x प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू माइनस, एक ही सिंपल है, बाकी आपने थ्री वैल्यूज निकालनी है ना, क्योंकि x के प्लस वन को जीरो पुट करोगे ना बेटा तो वो नहीं होगा, एक इससे निकालो, दो वैल्यूज आप अपनी मर्जी से, यू कैन पुट एनी वन एंड सॉल्व, ठीक है। हम इसको कंटिन्यू करेंगे कल, पूरा करके दिखाएंगे, फिर नेक्स्ट हम चलेंगे, ओके बेटा, क्लियर, गुड बाय एंड टेक केयर।